पतंजलि हमारे भारतवर्ष के एक बहुत बड़े योगी योग विद्वान हुए हैं, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की और उसमें कई कई सूत्र लिखे गए और एक एक सूत्र जो है पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। तो सबसे पहले आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ के साथ साथ में उस महान ऋषि पतंजलि को मैं जो हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, श्रद्धा पूर्वक उनकी जो है वो मैं अभ्यर्थना करता हूँ कि उन्होंने एक कैसा अष्टांग योग दिया जो आज योग के नाम पे पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो चुका है। अष्टांग योग का अर्थ होता है जिसके आठ अंग, आठ अंगों वाला एक होलिस्टिक योग जो कि प्रारंभ से अंत तक जो है एक जीवन जीने की पद्धति बताता है। चित्त वृत्ति निरोधा योग है जो पतंजलि ने योग की संक्षिप्त में जो परिभाषा दी कि हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध करना। हमारी तीन तरह की होती है, एक होती है वृत्ति, दूसरी होती है प्रवृत्ति और तीसरी होती है प्रकृति। वृत्ति मतलब हम जो मन वचन काया से जो हम हलन चलन करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, उसको एक्टिविटी को वृत्ति कहा जाता है। और उसको हम पुनः पुनः दोहराते हैं, प्रतिदिन दोहराते हैं, वो प्रवृत्ति कहलाती है। और एक व्यक्ति प्रतिदिन जिस तरीके की एक्टिविटी करता है तो उसकी प्रकृति बन जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, मैं जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, कोई व्यक्ति सुबह लेट उठता है 2 घंटा और वो 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर रोज लेट उठता है तो उसकी दिनचर्या का ये भाग हो जाएगा और उसकी प्रकृति हो जाएगी, वह उसकी नेचर बन जाएगी, वह उसकी आदत बन जाएगी। बंधुओं, इसलिए कहा जाता है कि आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है, आदत एक व्यसन का काम कर लेता है। तो आज हम अष्टांग योग के आठों ही जो योग के घटक है, आठों ही उसके भाग है, उस पर संक्षेप के अंदर जितना हमारे पास में समय है उन सब की हम विवेचना करेंगे। तो पहला अष्टांग योग का पहला जो है वो है यम। यम का अर्थ होता है सार्वभौम सिद्धांत। सार्वभौम सिद्धांत वो होते हैं जो त्रैकालिक होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान देश विदेश किसी भी समय के अंदर वो बदलते नहीं है और वो सिद्धांत सर्व कल्याणकारी होते हैं। वो सिद्धांत यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाते हैं। वो क्या है? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। और इन यमों को हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पूरा स्थान दिया गया है और विशिष्ट स्थान है। अब इस एक एक बात को समझने के लिए घंटों घंटों पर लगते हैं, लेकिन हमें आठों अंगों अष्टांग योग को पूरा अध्ययन करना है संक्षेप पीरियड के अंदर, संक्षेप समय के अंदर। तो अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को मन से वचन से काया से करने से करवाने से अनुमोदने से कष्ट न हो। प्राप्त मन वचन काया से जगत के जीवों को किंचित मात्र भी कष्ट न देना, ये अहिंसा की पराकाष्ठा है। सत्य मतलब ट्रुथ। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ ही भगवान है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोलना। जो वस्तु जैसी है, जो स्थिति जैसी है, उसका सही सही बयान करना। अचौर्य का मतलब यह है कि दूसरे की कोई भी वस्तु कोई भी संपत्ति को हड़पने का बिना परमिशन के जो है वो चोरी छुपके उसको नहीं लेना, वो अचौर्य कहलाता है। अचौर्य अगर व्यक्ति धारण कर ले तो अपना सो अपना, पराया सो पराया। उसके लिए दूसरे का धन है मिट्टी समान है। कितनी धन दौलत पड़ी है लेकिन वो अपने आप को उसका मालिक नहीं समझता है, क्योंकि वो अचौर्य व्रत का पालन करता है। और चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है
कि ब्रह्म में रमण करना, ब्रह्म ईश्वर, ईश्वर के अंदर रमण करता है, अपनी आत्मा में रमण करता है, आत्म साक्षात्कार करता है, आत्म निरीक्षण करता है, आत्म रमण करता है, आत्म परीक्षण करता है, वो ब्रह्म में लीन कहलाता है, उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं बंधुओं। लेकिन उसकी जो है व्यवहारिक परिभाषा ये है कि हम लोग संसारिक लोग हैं, तो संसारी व्यक्ति जो है स्त्री पुरुष की जो शादी होती है उससे परिवार बनता है। स्वधार संतोष, अपनी एक पत्नी के अंदर पुरुष जो है संतोष करे, अपने एक पति के अंदर जो है स्त्री संतोष करे, वो पतिव्रता हो और इधर वो पत्नी व्रता हो। तो इस तरीके से बंधुओं, एक को छोड़ करके इस 7 अरब की जनसंख्या की जितनी भी स्त्रियां हैं, छोटी मेरी बेटी, मेरे समकक्ष मेरी बहन, मेरे से बड़ी मेरी माता, बहुत बड़ी मेरी जो है वो मेरी दादी है, नानी है। इस तरीके से बंधुओं, एक स्त्री के अंदर जो है वो जननी का रूप देखता है, स्त्री को सम्मान देता है, वो ब्रह्मचर्य का आचरण करता है।